जिंदाबाद 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 अब BA, BCom, BSc और MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्ट असाइनमेंट और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV कॉलेज गेट के सामने, सिवान। नमस्कार, आप देख रहे हैं ATL लाइव और मैं हूं चंदन। हमारी टीम पहुंची हुई है सिसवन प्रखंड के बखड़ी पंचायत में और आप देख सकते हैं कि गौतम जादव के साथ हजारों का काफिला यहां पर पंचायत के अंतिम प्रचार के चुनाव में लगा हुआ है। तस्वीरें आप देख सकते हैं, गौतम जादव के बारे में बताया नहीं जा सकता है। समाजसेवी है गौतम जादव और पूरा काफिला, एक बार हम चाहेंगे कि दिखाएं इस पूरे काफिले को, गौतम जादव के साथ पूरा काफिला बखरी पंचायत में अंतिम चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं युवा इनके साथ और पूरा जो जन सैलाब कहा जाएगा वो गौतम जादव के साथ लगा हुआ है। तो ये तस्वीर आप देख सकते हैं, आज चुनाव प्रचार की जो तिथि है वो अंतिम तिथि है और ऐसे में गौतम जादव का दौरा जो चल रहा है, आप तस्वीर आप देख सकते हैं, पूरी भीड़ गौतम जादव के साथ, तमाम युवा यहाँ पे लगे हुए हैं। गौतम जादव हमारे साथ मौजूद है, बहुत सारे लोग भी हैं, इनसे बात करेंगे। आप बताइए कि कैसा चल रहा है गौतम जादव का, लोग सपोर्ट कैसा कर रहे हैं? बहुत बढ़िया सपोर्ट है उनका, पूरे जोरों शोर से हो रही है उनकी, समर्थक सारा जनती पीछे लगी हुई है इनके लिए। कहा जाता है कि बखड़ी पंचायत की लड़ाई काफी टफ मानी जाती है, ऐसे में क्या माना जाए, इस बार की लड़ाई कैसी है यहाँ पे? कोई लड़ाई नहीं है इनकी आगे, जी नहीं, इस बार जनता ही इनकी उठाई है, जी बहुत बहुत सपोर्ट कर रही है। देखिए बहुत सारे लोग हैं, युवा बहुत ज्यादा है यहाँ पे जो दिखाई दे रहा है, आप बताइए क्या कहेंगे गौतम जी के बारे में? आज तो अंतिम चुनाव प्रचार का समय है, कैसा चल रहा है, कैसा लोगों का समर्थन मिला? अब तो परसों वोटिंग भी होगी आपके। बहुत बढ़िया चल रहा है चुनाव प्रचार, जी अच्छा, हाँ सपोर्ट भी बहुत बढ़िया है। अच्छा है जी, आप बताइए चाचा क्या कहेगा, चाहे हम कैसन गौतम जी के लोग के सपोर्ट मिलता है? गौतम जादव को हम दो गांव मिल करके खड़ा कराया। अच्छा। वो खड़ा नहीं हो रहे थे लेकिन दो गांव उनको इकट्ठा होकर के मीटिंग कर करके गौतम जादव को हम लोगों ने खड़ा कराया, सोनबरसा ग्राम और रौलपुर। अच्छा। और उसमें गौतम जादव जी खड़ा उतरे भ्रष्टाचार को नष्ट करने के लिए, जो भ्रष्टाचार पंचायती में होता है, जितना पैसा नरेगा का आता है, जो भी आता है, सब पैसा मुखिया लोग अपने जेब में रख लेते हैं JCB से कटवा करके। इसलिए इस भ्रष्टाचार पर हम लोग दोनों गांव खड़ा होकर के और गौतम जादव को आगे बढ़ाने का, मुखिया बनाने का काम कर रहे हैं। इस बार लग रहा है आपको कि गौतम जादव को यहाँ की जनता गौतम जादव को पूरी तरीके से समर्थन, यहाँ की जनता जब देख रही है कि दो गांव इकट्ठा होकर के गौतम जादव ऐसा जुझारी नेता को आगे बढ़ाया, इसलिए सारी जनता जो पंचायत के है इनके तरफ है। बिल्कुल आप देख सकते हैं कि भीड़ बहुत ज़्यादा है गौतम जादव के साथ और तमाम यहाँ पे लोग देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पे गौतम जादव के साथ युवाओं का हुजूम है। ये गौतम जादव सिवान जिले के सिसवन प्रखंड के बखड़ी पंचायत से मुखिया पद के लिए चुनाव लड़ रहे हैं, आज अंतिम चुनाव की तारीख है और ऐसे में अब लगभग 4 बजे के करीब चुनाव प्रचार थम जाएगा, लेकिन ये भीड़ आप देख सकते हैं, हम चाहेंगे एक बार कैमरा ऊपर करके दिखाएं, भीड़ बहुत ज़्यादा है तो ऐसे में कहा जा सकता है कि जिस तरीके से बखड़ी पंचायत का चुनाव है बिल्कुल दिलचस्प लड़ाई हो सकती है, कांटे की टक्कर हो सकती है। हम गौतम जी हमारे साथ मौजूद हैं, अब गौतम जी से बात करेंगे। गौतम जी ये बताइए कि अब चुनाव का अंतिम आज दिन है प्रचार का, क्या कहना चाहेंगे, कैसा रहा आपका?
पहले तो मैं आपके ATN चैनल को और आपको इसलिए धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने उस योग्य समझा कि इस चौरी बेल्ट में जो बकरी पंचायत जो है चौरी बेल्ट का पंचायत है, यहां सुदूर देहात में आकर के हमारा चुनाव कैंपेन का कवरेज लेने का काम किया। इसके लिए आपको और आपके चैनल को बहुत बहुत पहले धन्यवाद देता हूँ। गौतम जी, कैसा चला इतने दिनों का दौरा आप लोगों का रहा और आज अंतिम चुनाव प्रचार का समय है, परसों आपके यहाँ 24 तारीख को चुनाव है, कैसा ये बताइए कैसा रहा? बहुत 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 यह दौरा जो है हमारा सफल रहा और हमारे गाँव और अगल बगल के सनबरसा गाँव जो है सारे लोगों ने मिलकर मुझे खड़ा कराया। मैं अपने मन से खड़ा नहीं हूँ, सारे लोगों ने, हजारों लोगों ने खड़ा कराया और मेरे साथ देख रहे हैं। यह बाहरी पंचायत के लोग नहीं हैं, सारे कट्टर हमारे वोटर हैं जो बखरी पंचायत क्षेत्र में ही निवास करते हैं और ये और इनके परिवार के सारे लोग भारी संख्या में हमें 24 तारीख को ढोलक छाप पर EVM में जो आएगा हमारा ढोलक छाप उस पर बटन दबाकर हमें हजारों वोट के अंतर से बखरी पंचायत का मुखिया बनाने जा रहे हैं। गौतम यादव जी, क्या लग रहा है गौतम जी, क्या लग रहा है कि जो आपके पंचायत में मूलभूत जो सुविधाएं होती है वो तमाम सुविधाएं या फिर आज भी कमी है यहाँ पे? बहुत कुछ सुविधा बोल कर तो कुछ है नहीं यहाँ पर सरकारी कामों में और विकास के जितने काम हैं, प्रशासनिक काम है बखरी पंचायत में, भ्रष्टाचार का बोलबाला है और भ्रष्टाचार के खिलाफ ही हमारी इस पंचायत में लड़ाई है। चूँकि मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ विगत 40 वर्षों से लड़ रहा हूँ और आज मुखिया पद पर लोगों ने हमें भ्रष्टाचार को बखरी पंचायत से जड़ से मिटाने के लिए हमें खड़ा कराया है और मैं उसी संकल्प के साथ खड़ा हूं कि यहां का जो वर्तमान मुखिया है वो उसने नल जल योजना में काफ़ी गबन किया है, भ्रष्टाचार किया है, मनरेगा योजना में JCB से मिट्टी कटवा करके हमारे गरीब गुरबा जो यहां हजारों निवास करते हैं बकरी पंचायत में JCB मशीन का उपयोग करके गरीबों की मजदूरी को हकमारी किया है, उसके खिलाफ हमारी लड़ाई है। प्रधानमंत्री आवास योजना में 30 से 35 हज़ार रुपया यहाँ का वर्तमान मुखिया और इसके जो पहले मुखिया थी नीलम देवी हो घूस लेने का काम किया है और हमारे गरीबों का जो चाहिए था क्वालिटी वाला मकान बनना वो नहीं बन पाया है। इन सारी PCC में देख लिया जाए घटिया सीमेंट का इस्तेमाल, इन सारे करप्शन के खिलाफ लोगों ने मेरे तरफ आवाज़ उठाया और हमें मुखिया बनाने का संकल्प लिया, तो मैं भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए कटिबद्ध हूँ और मुखिया बनने जा रहा हूँ। गौतम जी क्या कहना चाहेंगे, प्राथमिकता आपकी क्या होगी, जनता ने अगर मौका दिया? देखिए, प्राथमिकता तो हमारी बहुत है, विकास जो करेंगे हम वो उसमें पारदर्शिता रहेगा। अगर 5 लाख का योजना है तो 5 लाख का ही होगा और उसमें क्वालिटी आएगा। और मैं इतने मतदाताओं का जो वोट है, मैं मात्र वोटर इनमें नहीं समझता हूँ। 24 तारीख को जो ये EVM में ढोलक छाप पर दबाने जा रहे हैं वो वोट नहीं, इनके जिगर का टुकड़ा होगा जो हमें ये लोग देने जा रहे हैं और इनके जिगर के टुकड़े को मैं 5 साल तक दाग लगने नहीं दूंगा, बेदाग रखूंगा और ये लोग मुझे तो मुखिया बना देंगे और मुखिया से मैं संतुष्ट हो जाऊंगा। यहाँ का चुनाव देखा जाता है, जब रिजल्ट आता है महज कुछ मतों के अंतराल से जीत हुई है एक दो बार की अगर बात कर ले तो गौतम यादव की क्या स्थिति होगी अगर चुनाव का परिणाम आएगा तो? यह 2-4 वोटों का अंतर नहीं होगा, मैं हजारों वोट के अंतर से हमारा जो प्रतिद्वंद्वी होगा बहुत नीचे रहेगा, कम से कम 1500 से 2000 वोट के नीचे रहेगा और मैं यहाँ मुखिया लोग बना। श्योर है कि इस बार आप? श्योर है, यह मतदाताओं का रुझान देखिए श्योर है और हमारी लड़ाई भ्रष्टाचार के खिलाफ है और भ्रष्टाचार के खिलाफ सारे लोग आवाज़ उठा रहे हैं। बिल्कुल, आपने देखा कि गौतम यादव थे और बखड़ी पंचायत से मुखिया पद के लिए चुनाव लड़ रहे हैं और ऐसे में अब देखना होगा कि इस पंचायत की जनता किसे अपना मुखिया चुनकर सदन में भेजने का काम करती है, यह तो खैर आने वाला वक्त ही बताएगा। हमारा सहयोगी आशीष कुमार गोलू के साथ चंदन कुमार, ATN लाइव, बखड़ी पंचायत, सिवान। तंत्र मंत्र के बादशाह भारत के जाने माने सर्वश्रेष्ठ गुरु खान बंगाली मिलेगा हर समस्या का समाधान गारंटी के साथ। मेरी बेटी की शादी के लिए बहुत से रिश्ते आते थे पर कोई न कोई अड़चन पड़ जाती थी, इसी वजह से मेरा पूरा परिवार बहुत परेशान था। बाबा जी की दुआओं से आज मेरी बेटी एक बड़े घर की बहू बनी।
भटको चाहे जहां, काम होगा सिर्फ यहां। ग्रह कलेश, कर्ज मुक्ति, प्रेम विवाह, जादू टोना, पति पत्नी में अनबन, सौतन या दुश्मन से छुटकारा, विदेश यात्रा में रुकावट, फिल्मों में प्रवेश और कोर्ट कचहरी जैसी समस्याओं का समाधान। गुरु खान बंगाली, घर बैठे पाए समाधान। अभी कॉल करें 8448277903। सिवान में खुल गया है ग्रोसरी की दुनिया का एकमात्र ब्रांड वी मार्ट, द ग्रोसरी हाइपरमार्केट, जहां एक ही छत के नीचे मिल रहे हैं सब कुछ और बाजारों की अपेक्षा बिल्कुल सस्ते दरों पर। तो अब देर किस बात की, आज ही चले और जमकर खरीदारी करें। वी मार्ट, महादेवा रोड, सिवान। जी, मैं सुशील कुमार उर्फ डब्लू, सिवान जिला परिषद क्षेत्र संख्या 40 प्रखंड भगवानपुर से जिला परिषद का उम्मीदवार हूं और मेरा चुनाव चिन्ह जलता हुआ दिया छाप है, जो कि ईवीएम के क्रम संख्या 20 पे निर्धारित है। और आप सभी युवा, बुजुर्ग, माता बहन, हमारे क्षेत्र के जितने भी लोग हैं, आप सब लोगों से मेरा विनम्र निवेदन है, मेरा आग्रह है कि 5 सालों तक में जितना हमने काम किया है, जितना हम आपके बीच में रह करके व्यवहार बनाने का काम किया है, एक जनसेवक के रूप में आप मुझे एक बार पुनः अपना आशीर्वाद देंगे और मुझे विजयी बनाने का।